الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
वही तो है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले के तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, और वो हमेशा से पूरी तरह गालिब और तमाम गुनाहों को बहुत मुआफ करने वाला है। अल्लाह ताला ने इंसान पर अपनी बेशुमार नेमतें और एहसानात किए हैं। एक बंदा नहीं, सारे इंसान मिलकर अगर अल्लाह ताला की उन नेमतों को, अल्लाह ताला के एहसानात को सिर्फ गिनने लगें, उनके शुक्र और उनके हक की अदायगी की बात नहीं, सिर्फ गिनने लग जाएं, काउंटिंग करें, ये भी अल्लाह का इनाम है, ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह का एहसान है, तो इनाम करने वाले ने खुद ही बता दिया, इन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा, अगर तुम सारे मिलकर भी अल्लाह की नेमतों को सिर्फ गिनने लगो तो अल्लाह का फरमान है ला तुहसूहा, तुम्हारे कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे लेकिन अल्लाह की नेमतें गिनने में भी नहीं आएंगी। शुक्र अदा करना तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला का ये फजल है, वो इतनी अजीम जात जिसने अपने बारे में भी कहा, लौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक्लाम वल बहर यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अगर सारी जमीन के सारे दरख्तों को काट कर तराश खराश करके कलमे बना ली जाएं और ये जितना पानी है रूए जमीन पर इस सब को स्याही में बदल दिया जाए, बल्कि फरमाया इसके बाद मजीद 7 समुंदर भी मिल जाएं और उनकी भी स्याही बना दी जाए, कलमे टूट जाएंगी, स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वालों की उम्रें खत्म हो जाएंगी, मा नफिदत कलिमातुल्लाह, आपके और मेरे रब के कलिमात खत्म होने पर नहीं आएंगे। लेकिन उस अल्लाह की अजमत, उस अल्लाह की शान, उसकी अपने बंदे से, इंसान से मोहब्बत, वो कहता है बंदा किसी भी नेमत के मिलने पर अपनी जुबान से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह तो इतना खुश होता हूं कि मैं समझता हूं मेरे बंदे ने मेरी नेमत का शुक्र अदा कर दिया है। इसको हमेशा मद्देनजर रखें, जब भी अल्लाह कोई नेमत दे बस नेमत करने वाले के गुण गाइए, उस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। नेमत देने वाला भी वो है, नेमत देकर वापस ले लेने वाला भी वही है, और नेमत अता किए रखने वाला भी वही है। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, आइए मैं एक चीज की तरफ बस तवज्जो दिलाऊं, मैं और आप उस पर अच्छी तरह गौर करें, वो नेमत है मेरी और आपकी जिंदगी। बहुत सारी नेमतें बंदे को मिलती हैं, एक बार मिल गई, छिन गई, बंदे के हाथ से निकल गई, दोबारा मिल जाती है, लेकिन जिंदगी उन नेमतों में से एक नेमत है जो एक बार अल्लाह ने अगर वापस ले ली ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। मां बाप को देख लें, मां या बाप दोनों में से एक या दोनों अगर चले गए दोबारा नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से कई नेमतें हैं, उनमें से सबसे अहमियत की हामिल चीज है बंदे की जिंदगी जो एक एक सांस के साथ कम होती जा रही है। दिन गुजरता है, हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरता है, साल गुजरता है, हम तो ये कहते हैं कि मैं जी इतना बड़ा हो गया, और दाना लोग वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, हकीकत में जैसे जैसे बंदा बड़ा हो रहा है ना, अपने आप को समझ रहा है मैं बड़ा हो रहा हूं,
वैसे वैसे बंदा छोटा हो रहा है, इसलिए कि उसको जो वक्त मिला हुआ है वो हर गुजरते लम्हे के साथ कम होता जा रहा है। और जब खालिक व मालिक ने इस कमरा इम्तिहान से, इस दुनिया से उठा लेना है किसी को भी, हां मेरे बंदे आ जा वापस, छोड़ दे इस दुनिया को, अब उसके बाद बंदे को ये नेमत दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। हां कुरान पाक में अल्लाह ने बताया है, बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इस जिंदगी की कदर नहीं की होती, जब अल्लाह का फरिश्ता आता है और उनकी रूह कब्ज करने लगता है, सूरतुल मोमिनून पारा नंबर 18 का आखिरी रुकू, सूरतुल मोमिनून का आखिरी रुकू सारा इसी बात पर है। अल्लाह ने बात यहां ये की है, जिस वक्त अल्लाह का फरिश्ता आता है और बंदे को अल्लाह की तरफ लौटाने लगता है, रूह कब्ज करने लगता है, अब उसी वक्त बंदा अल्लाह के आगे हाथ जोड़ देता है और कहता क्या है, अल्लाह ने बताया, काला अल्लाह ने फरमाया, बंदा कहता है रब्बिर्जिउन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, इतनी लंबी तूने मुझे जिंदगी दी, अब लंबी जिंदगी का मैं सवाल नहीं करता, बस मुझे थोड़ी देर के लिए लौटा दे, थोड़ी देर के लिए, या अल्लाह चंद सांस दे दे, या अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, भाई अब क्या करेगा, अब क्या रह गया तेरा पीछे, कहेगा लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, अल्लाह जो जिंदगी छोड़कर जा रहा हूं दुनिया, या अल्लाह इस दुनिया में कोई नेक अमल कर लूं ताकि मेरा ज़ादे राह तैयार हो सके। और याद रखिए उस वक्त तो अल्लाह ने बता दिया ना, कल्ला हरगिज नहीं, अब तेरी बात नहीं चलेगी, तेरे पहले सांस से लेकर इस आखिरी सांस तक तू और समझता रहा, लेकिन हकीकत कुछ और थी, तू ये समझता था मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने जनाब ये काम कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं, तेरे पहले सांस से लेकर तेरे इस आखिरी सांस तक भी तेरे ऊपर मुकम्मल कंट्रोल किसका था, अल्लाह का, अब भी उसी का है, अब भी फैसला उसी का चलना है, लिहाजा अब बात करने का फायदा कोई नहीं। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, अल्लाह ताला ने फरमाया बस अब तो उसकी जुबान से निकलने वाली एक बात है, एक जुमला है जो वो कह रहा है, अब उसकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि अब दिया गया वक्त खत्म, और देने वाले ने कई बार अपने कलाम में बता दिया था वलन युअख्खिर अल्लाह नफ्सन इदा जा अजलुहा, जब किसी भी जान का वक्त आखिर आ जाए तो अल्लाह फिर उसमें लम्हा भर के लिए भी ताखीर नहीं होने देता, उसने बता दिया था, उसकी किताब में मौजूद था, जिसने करना था पहले कर लेता लेकिन किया ही नहीं, अब आखिरी वक्त में ये कह रहा है, अब उसको एहसास हो रहा है मेरी तो जिंदगी बड़ी कीमती थी। हां मेरे अजीजों, उस वक्त के आने से पहले मुझे और आप सबको सोचना है और इस जिंदगी की कदर करनी है, क्योंकि ये बात फाइनल है, इस कमरा इम्तिहान से जब मैं और आप में से कोई उठ गया तो दोबारा उसको चांस नहीं मिलेगा। आप जिंदगी के किसी इम्तिहान में फेल हो जाएं, मुमकिन है आपको दोबारा मौका मिल जाए, चलिए आपकी सप्ली आ गई एक पेपर के अंदर एक मजमून में, आप दोबारा इम्तिहान दे लीजिए, कमरा इम्तिहान में दोबारा बैठ जाइए, लेकिन मेरे रब का ये बनाया हुआ कमरा इम्तिहान जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं और हम अपनी जिंदगी का पेपर हल कर रहे हैं, जब रब ताला ने यहां से उठा लेना है, रब ताला ने दोबारा मौका नहीं देना, इसीलिए वो कह रहा है अब तुम्हें जिंदगी दी है कुछ कर लो। अल्लाह जी क्या करें, फरमाया बस एक ही मतलूब है, और वो मतलूब क्या है, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मतलूब सिर्फ ये है कि तुम अच्छे काम कर लो, काम तो करना ही करना है, अच्छा बंदा कर ले,
مثال کے طور پر رزق تو کمانا ہی کمانا ہے، بندہ اچھا کما لے، حلال طریقے سے کما لے جو اس کے لیے باعث برکت ہو، بندہ یہ والے عمل کرے، اسی طرح زندگی کے تمام امور۔ تو ایک ہی مطلوب ہے کہ بندہ ایمان کی حالت کے اندر نیک عمل کرے، بس یہ، اگر یہ کر لیتا ہے نا پھر اس کو وقت آخر پچھتانے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی قدر کر لی۔ لیکن احساس ضرور رہتا ہے، بندہ جتنا بھی عمل کر لے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو کون پہنچے، اس امت کے بہت بڑے محدث، اللہ کے پیارے نبی کی احادیث سب سے زیادہ انہی سے مروی، وقت آخر ہے، رونے لگ گئے، ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، آپ تو بڑے نیک ہیں، اللہ کے نبی کی زیارتیں نصیب ہوئی ہیں، جنت کی بشارتیں آپ نے پائی ہیں، صحابی رسول ہیں آپ، اور آپ رو رہے ہیں۔ سنو میرے پیارے بھائیو، محترم بزرگو، اور اپنے دل سے سن کر اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے، کچھ فکر پیدا کیجئے، کہاں میں اور کہاں آپ، ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ دن رات گناہوں والی زندگی گزارنے والے، لیکن ہمیں فکر نہیں۔ انہوں نے، جنہوں نے زندگی نیکیوں میں گزاری، انہیں کتنی فکر ہے؟ آخری وقت رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، جناب آپ رو رہے ہیں، خیریت؟ کہا، میں تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابھی تو فلاں کام کرنا تھا، ابھی تو فلاں کام کرنا تھا، فلاں چیز کی ترتیب بنانی تھی، فلاں چیز کی سیٹنگ کرنی تھی، بچوں کو اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا دیکھنا تھا۔ ہماری کتنی خواہشیں، کتنے ارمان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کہا، نہیں، تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا۔ ابو ہریرہ، اللہ کے نبی کا صحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سب سے زیادہ روایت کرنے والا، روک فرمانے لگے، اس لیے رہا ہوں کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں نا، سفر بڑا لمبا ہے پر زیادہ راہ پاس نظر نہیں آ رہا، سفر بڑا لمبا ہے، ایک رات ایک دن کا سفر نہیں، اب برسہا برس اس سفر پہ نکل پڑے ہیں، قبر کی منزل، وہاں سے گزر کر پھر حشر کی منزلیں، پھر کہیں جا کے آگے جنت یا دوزخ کے فیصلے، کتنا لمبا سفر ہے۔ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے لیکن زیادہ راہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ راہ کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ نے فرمایا، مال اور بیٹے، جن کی طرف انسان کی بڑی توجہ ہوتی ہے، مال میں خسارہ نظر آتا ہے، بندے کو نیند بھول جاتی ہے، آرام بھول جاتا ہے، میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری ڈیل خراب ہو رہی ہے، بندہ ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اور بیٹے، اولاد، ان کی محبت بھی اللہ نے دل میں رکھی ہے، اور یہ چیزیں ہی ایسی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ لوگوں، یہ دنیا کی چیزیں، عورتیں، بیٹے، مال و دولت، سونا چاندی کے انبار، بہترین سواریاں، گھوڑے، یہ کھیتی باڑی، یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ پتہ ہے بندے کو، بس جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ان کا ساتھ ہے، لیکن بندہ ان کو اہمیت اتنی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ تعلق ہی ان کے ساتھ رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے پتہ نہیں ہمیشہ یہ چیزیں ساتھ ہی رہنی ہیں۔ لیکن میں اور آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، آئے تھے دنیا میں، بدن پہ کپڑے تک نہیں تھے، اور جائیں گے دنیا سے تو کیا لے کر؟ صرف کفن کی چادریں، اور کفن بھی وہ کپڑا ہے، وہ لباس ہے جس کے اندر جیب نہیں ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں۔
क्या जाएगा साथ? अल्लाह की बात सुनिए, कहा वल्बाकियातु सालिहात, बाकी रहने वाले नेक अमल ये तेरे रब के पास तेरे साथ जाएंगे। उम्मीद लगानी है तो इनसे लगा, करना है तो ये कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अमल बताए, एक अमल ये भी बताया, आपने फरमाया लोगों अल बाकियातु सालिहात, बाकी रहने वाले नेक अमल, उनमें से एक ये भी है, हर बंदा ही कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है ये अमल करना। क्या है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाइए पांच कलिमात हमेशा बाकी रहने वाले नेक अमल हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि जाना नहीं पड़ेगा, अपने वजूद को मुशक्कत में डालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जुबान को आपने हरकत में लाना है। ये पांच कलिमात आपने पढ़ने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये पांच कलिमात क्या है? अल बाकियातु सालिहात, यानी बाकी रहने वाले नेक अमल जिनके बारे में कुरान कह रहा है, वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन, दुनिया से किसी के चले जाने के बाद उसके अजीज अकारिब औलाद ईसाले सवाब करते हैं। वो बाद की बात है, जिंदा लोगों कभी अपनी जिंदगी में भी अपने लिए कोई ईसाले सवाब करो ताकि पहले से वहां कुछ मौजूद हो। बंदे ने एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना हो और पता हो मैंने वहां पर कुछ वक्त गुजारना है, तो बंदा पहले से हर चीज की तैयारी करता है, वहां पर मेरे रहने का अच्छा बंदोबस्त हो, वहां पर मेरे लिए फुला चीज की सहूलत हो, फुला चीज की सहूलत हो। और मेरे अजीजों, कब्र, हशर, ये बरज़ख किसको वास्ता नहीं पड़ेगा, हर एक को वास्ता पड़ना है। हमारी अगली मंजिल वो है और सदियों वहां रहना है, लेकिन हम उसकी फिक्र ही नहीं करते कि हम पहले से कुछ भेज दें, हमारी कब्र अच्छी हो, हमारे लिए वहां पर फुला सहूलत हो, कब्र हमारी मुनव्वर हो, ताहद निगाह वसी हो, जन्नत का बाग बनी हुई हो, जन्नत की तरफ से उसमें दरवाजा खुला हुआ हो, मुझे अल्लाह मेरे मरने के फौरन बाद यहां मेरे अजीज तो ये कफन लिपटा देंगे मेरे वजूद पर, मेरा अल्लाह कहीं मुझे जन्नती लिबास पहना दे। इसकी फिक्र किसने करनी है? ये मैंने और आपने करनी है। ठीक है, हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारे प्यारे क्या करेंगे? माली इबादत, और अक्सर बेशतर जो होती है हम जानते ही हैं, दिखाने के लिए। अच्छा जी, अगर हम ये ना करें लोग क्या कहेंगे? बस ये मकसद है। इस आले सवाब जो होता है वो सब जानते हैं। आइए जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं उसमें मेरा और आपका फायदा है। कुरान बता रहा है वल बाकियातु सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन, और ये किस सूरत में है? सूरतुल कहफ में, जो हर जुमे वाले दिन पढ़ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में उसकी रहनुमाई मौजूद है, ताकि बंदे को हर छह दिन के बाद सातवें दिन ये सूरत पढ़ते हुए अंदाजा हो कि मेरे लिए, अपने लिए मेरा ईसाले सवाब क्या है। कितनी काबिले गौर बात है, मैं अपने लिए तो ईसाले सवाब ना करूं और ये तवक्को रखूं मेरे बाद मेरे प्यारे मेरे लिए ईसाले सवाब करेंगे। जब मैं अपने लिए नहीं करता तो फिर पीछे वालों को क्या फिक्र पड़ी है? और जिस इखलास के साथ, जिस एहसास के साथ मैं अपने लिए ईसाले सवाब कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता। तो रब ने यही बताया, ये माल, ये बेटे क्या है? जीनतुल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी की जीनत, खूबसूरती, खुशनुमाई, बस दुनिया में वाह वाह और बल्ले बल्ले। लेकिन जब आंखें बंद, सब का सिलसिला खत्म, अब क्या काम आएगा? अल बाकियातु सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, बंदे बाकी रहने वाले नेक अमल ये तेरे रब के यहां सवाब के लिहाज से बेहतरीन। और मरने के बाद अगर किसी चीज पर तूने उम्मीद रखनी है ना, तो बस इन पे रख। ये आएंगे वहां पर काम, जहां पर ना दौलत चले,
ना पैसा चले, ना सफारश चले, कोई करंसी नहीं चलती वहां पर। चलती है तो मेरे अजीजों अमल की करंसी चलती है। इसलिए इस जिंदगी को गनीमत जानिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों निअमतानी, गौर से सुनिएगा जरा इन अहादीस को, निअमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास, दो नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं अक्सर लोग उनको जाये कर बैठते हैं, गबन के अल्फाज खयानत करते हैं, उनकी कदर ही नहीं करते, उनका ख्याल ही नहीं करते। दो नेमतें खास जिक्र है इस हदीस में, सही बुखारी शरीफ में हदीस है। कौन सी है दो नेमतें? फरमाया अस्सेहतु वल फराग, एक है सेहत तंदुरुस्ती, अल्लाह ने जिस्म के अंदर हिम्मत रखी है बंदा नेक अमल कर सकता है, लेकिन अब जवानी है, लड़कपन है, समझदारी की उम्र है, कहता अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, बूढ़े होकर अल्लाह की इबादत ही करनी है। आप अंदाजा कर लीजिए। वैसे हमारे यहां ना एक अजीब सोच है, हम सऊदी अरब में जब पढ़ते थे और फिर उसके बाद हज के लिए भी गए, हज्जाज किराम जानते हैं बुजुर्गों की ज्यादा तादाद जो हज के लिए आती है ना, वो या पाकिस्तान से होती है या हिंदुस्तान से होती है। क्यों? हमें ये होता है जिंदगी सारी गुजार लो और आखिर में बस हज करके सारी जिंदगी के गुना बख्शवा दो। सोचिए जरा, गौर कीजिए, वो जिंदगी जो आप अपने कारोबार को नहीं दे सकते, अब आपका जिस्म वैसे काम नहीं करता, आप बूढ़े हो चुके हैं, वो आप दूसरे लफ्जों में जो हदीस में अल्फाज है अर्दलिल उम्र, निकम्मी उम्र, वो किसको दे रहे हैं? अल्लाह को। और जो पहले अच्छी उम्र थी, बेहतरीन लाइफ और जिंदगी थी, वो किसको दी है? दुनिया को। सोचा कभी हमने इस पहलू पर? भाई जब मेरा जिस्म काम कर रहा है, मेरे जिस्म के अंदर कुव्वत है, ताकत है, तवानाइयां हैं, मैं अल्लाह की इबादत करूं तो मुझे मजा आए, लुत्फ आए, चल के कदमों पर मस्जिद में आऊं, लोगों की खिदमत करूं, दीन के काम करूं। लेकिन वो वक्त तो मैंने दे दिया अपनी दुनिया की जिंदगी को, लेकिन जिस वक्त वक्त आया बुढ़ापे का, वो अल्लाह के नबी की हदीस के अल्फाज के मुताबिक निकम्मी उम्र वाला, अब जिस्म में वो तवानाई कुव्वत नहीं है, अब कह रहा हूं बस अब तो अल्लाह अल्लाह ही करना है, अब तो जी बस नमाज ही पढ़नी है ना। जवानों को भी यही उम्मीद होती है बूढ़े होकर इबादत ही करनी है? नहीं, अपनी जिंदगी का आइडियल टाइम अपने रब को दीजिए, ताकि उसकी बुनियाद पर अल्लाह फिर तुम्हें आइडियल अंजाम से दो चार करे। वो क्या है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सात किस्म के खुशनसीब हैं जिनको कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया देगा, अपने अर्श का साया। और फरमाया कयामत के दिन उस साये के अलावा पूरे मैदान महशर में कोई साया नजर नहीं आएगा। उन खुश नसीबों में एक वो भी है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाही, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी की उम्र अल्लाह की इबादत में गुजारी। बूढ़ा नहीं, बुढ़ापे में भी इबादत करें, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ताला बुढ़ापे में भी अल्लाह ताला तौफीक दे दे, और इसकी तो बड़ी कदर है। सफेद बालों वाला अपने रब की बारगाह में हाथ ही उठा देता है, रब कहता है इसके हाथ खाली वापस लौटाते हुए मुझे शर्म आती है, अल्लाह इतनी कदर करता है। लेकिन मैं जो तवज्जो दिला रहा हूं अपने जवानों को, अपने भाइयों को, जिनकी उम्र का ये पहलू अभी मौजूद है कि नौजवानी में, जवानी की उम्र में जो अल्लाह की इबादत करता है, अपनी जिंदगी का आइडियल टाइम अल्लाह को दे रहा है, अल्लाह कहता है फिर कयामत के दिन मैं भी इसको वो प्रोटोकॉल दूंगा कि अपने अर्श के साए तले इसको जगह दूंगा। ये है जिंदगी की कदर। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो चीजें ऐसी हैं अक्सर लोग कदर ही नहीं करते, तंदुरुस्ती सेहत, और दूसरा है फारिग वक्त। अब तो हमारे पास फारिग वक्त ही नहीं है, और इत्तेफाक देखिए जो जितना बंदा फारिग है ना उतना ही मसरूफ है, वेले मसरूफ हम कहते हैं उमूमन, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं। चले अगर फिर भी वक्त मिल जाए, फारिग वक्त मिला है,
तो आप उसको बर्बाद करने की बजाय आप उसको अपनी आखरत के लिए लगाइए। इसीलिए तो कहा मेरी उम्मत के लोगों, आपने अपने एक सहाबी को नसीहत की थी, आपने फरमाया था मेरे सहाबी इग्तनिम खमसन कबल खमसिन, पांच चीजों से पहले पांच चीजों को गनीमत जान लेना, पांच चीजों से पहले पांच चीजों को गनीमत जान लेना। कौन कौन सी है पांच चीजें और किन को गनीमत जानना है? फरमाया शबाब का कबला हरामिक, बुढ़ापा आने से पहले पहले अपनी जवानी को गनीमत जान लेना, क्योंकि जवानी जब चली गई बुढ़ापा आ गया, अब जवानी दोबारा वापस नहीं आएगी। अब तो बस बंदा कहता है काश जवानी में ये कर लेता, काश वो कर लेता। बूढ़ों से पूछ के देख लीजिए कितने अरमान, लेकिन अब ये सिर्फ अरमान ही रहते हैं। तो आइए इन बातों पर जरा गौर कीजिए। हाँ, जिनकी जवानी गुजर चुकी है उनके लिए भी बड़ा खूबसूरत पैगाम है, वो अपने बढ़ापे की उम्र के अंदर सुभान अल्लाह नेक अमल करें, अल्लाह ताला को राजी करने वाले अमल करते चले जाएं। अल्लाह को उनका नेक अमल बहुत अच्छा लगता है, और अगर वो गुनाह करें ना अल्लाह को वो भी बहुत बुरा लगता है। लगता अब तो बूढ़ा हो चुका है, सफेद बाल आ चुके हैं, अब भी तो गुनाहों से बात नहीं आता। तो इसके बरक्स अगर वो अच्छे अमल करता है ना अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरा बंदा बूढ़ा होकर भी नेक अमल कर रहा है। इसलिए मेरे अजीजों गौर करो, सब लोग गौर करें, हजरात भी, खवातीन भी, मर्द, जवान, बूढ़े, सब पांच चीजों को गनीमत जानिए। जवानी को बढ़ापे से पहले, वसे हाथा का कबला सकामिक, बीमारी आने से पहले पहले अपनी सेहत को गनीमत जान लीजिए। अब तो माशाल्लाह कितने बूढ़े ऐसे जो जवानों से भी हिम्मत वाले हैं। अल्लाह ने सेहत दे रखी है, अल्लाह तेरा शुक्र है, इस सेहत को देने वाला तू है, और इस सेहत के होते हुए इबादत भी मैं तेरी ही करूंगा, राजी तुझको ही करूंगा, तेरा ही शुक्र अदा करूंगा, देने वाला जो तू है। दो चीजें। अगली चीज, वगीना का कबला फकरिक, बंदे के पास माल है कोई पता नहीं कब छिन जाए, कब कहां लग जाए, अचानक कोई मुसीबत बन जाती है, अचानक कोई बीमार पड़ जाता है, सारा पैसा वहां लग जाता है, बंदा कंगाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर माल है ना तो माल खत्म होने से पहले पहले इस गिना को, इस अमीरी को अपने लिए गनीमत जान लो। कैसी खूबसूरत बातें हैं हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वह हयात का कबला मौतिक, ये जो अल्लाह ने जिंदगी दी है इस जिंदगी को अपनी मौत से पहले जान लो। ये जिंदगी मिली हुई है, इसके बाद सिलसिला खत्म, जिंदगी की कदर कीजिए। और पांचवी चीज क्या है? वह फराग का कबला शुगलिक, मसरूफियत से पहले पहले फारिग वक्त को गनीमत जान लो। अभी तो फारिग वक्त है, क्या पता कोई ऐसी आइंदा मसरूफियत बन जाए बंदा अल्लाह के लिए वक्त ही ना निकाल सके। तो ये पांच चीजें बताई, कहा इन पांच चीजों से पहले, ये जो पांच चीजें इनको गनीमत जान लो। जवानी बड़ी गनीमत है, सेहत बड़ी गनीमत है, फारिग वक्त, माल का होना, जिंदगी का मिले रहना, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमतें हैं। तो जब जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया जब बंदा अल्लाह के यहां पहुंचकर कहेगा भी ना अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे। अब बस दो बातें सुन लीजिए इसके मुताल्लिक, एक कुरान से दूसरा हदीस से। अल्लाह ताला पूछेगा बंदे को अपने सामने खड़ा करके, और हदीस के अल्फाज हैं ला तजूलु कदमा अबदिन। ओ मेरे प्यारे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, मैं भी और आप भी इस मंजर को जरा अपने दिलो दिमाग में लाएं। अल्लाह की अदालत लगी हो, हम अल्लाह के सामने खड़े हों, हदीस बता रही है ला तजूलु कदमा अबदिन यौमल कियामा, बंदे के कदम कयामत के दिन अल्लाह की अदालत से हिल नहीं सकेंगे जब तक कि वो अल्लाह को ये ना बता दे हत्ता युस अला अन उम्र ही फीमा अफना,
हाँ मेरे बंदे बता, तुझे जिंदगी दी थी कहां गुजार के आया है? क्या मेरे पास आपके पास इसका जवाब तैयार है? तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मुबारक हो, और अगर तैयार नहीं है तो वक्त है, तैयार कर लीजिए। कोई पता नहीं किस वक्त ये उम्र खत्म हो जाए। फिर तसव्वुर कीजिए दुनिया की अदालत, हमारे जैसा बंदा जज की कुर्सी पे बैठा हो, हम उसके सामने जाते हो थर थर कांपते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, वकील कर, ये कर, वो कर, ताल्लुक ढूंढ, ताकि ये जज कहीं मेरे खिलाफ कोई फैसला ना कर दे। ये तो हमारे जैसा इंसान कुर्सी अदालत में बैठा है, और उस कुर्सी अदालत के क्या कहने और उस अदालत के क्या कहने जहां पर जज अल्लाह होगा। और उसके नबी ने बताया ला तजूलु कदमा अबदिन, बंदा अपने कदम नहीं हिला सकेगा जब तक अल्लाह को इस सवाल का जवाब ना दे दे, हां मेरे बंदे बता तुझे जिंदगी दी थी कहां गुजार के आया। ये बड़ा अहमियत का हामिल सवाल है। फिर जिंदगी का एक पहलू नहीं, जब से जिंदगी में जिम्मेदार बने, बालिग हुए, समझदार, उस वक्त से लेकर मरते दम तक का हिसाब देना है। मैंने दिन यूं गुजारे, रातें यूं गुजारी, जवानी का वक्त यूं गुजारा, बुढ़ापे का वक्त यूं गुजारा, सोच लीजिए। फिर वहां पर रोना पीटना काम नहीं आएगा, बंदा तरले करेगा, मिन्नतें करेगा, और अगर वो अपने आंसुओं के साथ दरिया भी भर दे कोई फायदा नहीं। वाह मेरे अल्लाह तेरी कुदरतों के क्या कहने, उसका ऐलान है दुनिया के अंदर, इस जिंदगी के अंदर, इस जिंदगी की कदर करो, इस जिंदगी में रब के खौफ से, रब के डर से, इस आंख से सिर्फ एक आंसू निकल जाए, अल्लाह का वादा है सिर्फ एक आंसू, अल्लाह कहता है जिंदगी भर के सारे पहले गुना मुआफ कर दूंगा। और अगर कयामत के दिन दुआ के कहे अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, फर्जे ना अल्लाह लौटा दे दुनिया में, ना अमल सालिहा कोई अमल कर लूं, कोई तुझे मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं, उस वक्त अल्लाह बता रहा है सूरतुल फातिर में, मेरे बंदे पढ़ ले, उस वक्त मैं तुझसे कहूंगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर वजाअकुमुन नदीर। मेरे बंदे मैंने तुझे जिंदगी दी थी ना, क्या जवाब होगा? बिल्कुल या अल्लाह दी थी, मैंने तुझे उम्र दी, जिंदगी दी, 50 साल 60 साल 70 साल जितनी भी दी ना, बिल्कुल दी या अल्लाह। उसके बाद जाअकुमुन नदीर, डराने वाला भी भेजा, और हमारी खुशकिस्मती के क्या कहने, हमारे डराने वाले तो सारे डराने वालों के सरदार हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाअकुमुन नदीर, वो भी तुम्हारे पास आए, डराया, खबरदार किया, या अल्लाह बिल्कुल किया। अब सुन मेरे बंदे, मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर, जिसने नसीहत पकड़ना थी पकड़ ली, और जिसने नहीं पकड़नी थी उसने नहीं पकड़ी। कितनी खरी बात है, जिसने नसीहत पकड़नी थी पकड़ ली, जिंदगी को गनीमत जानना था जान लिया, जिंदगी की कदर करना थी कर ली, और जिसने नहीं करना थी नहीं की। तो फैसला तो बिल्कुल वाज़े है ना, आप तो अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह की तरफ से डराने वाले आ गए, कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब हमारे पास मौजूद है, हमारे प्यारे नबी की तालीमात हमारे पास मौजूद है। जिंदगी के मेरे अजीजों कदर करो, जब इस जिंदगी का सिलसिला खत्म हो जाएगा दोबारा फिर ये मिलने वाला नहीं है, ये पहला आखिरी चांस है। दिन गुजर रहे हैं, लोग तो जश्न मना रहे हैं, लो जी साल पूरा हो गया है, 2020 मुकम्मल हो गया, 2021 शुरू हो गया। आपने भी मुलाहिजा किया भाई किस चीज का, अकलमंद कौन है? अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी जी अकलमंद कौन है? फरमाया अक्सरहुम लिल मौत दिकरा, जो अपनी मौत को बहुत ज्यादा याद रखता है, कोई भी कदम उठाता है मौत याद आ जाती, यार मरना है, रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। और अगली बात आपने फरमाया, और सबसे ज्यादा अपनी मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करता है, जैसा मौत को याद नहीं रखता, मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है अकलमंद। अकलमंद जश्न नहीं मनाता, अकलमंद खेल कूद नहीं करता, वो सोचता है मेरी जिंदगी का एक साल और गिर गया, एक साल और खत्म हो गया।
एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात से, और नादा कहते हैं नया साल मुबारक हो, हालांकि जिंदगी से एक ईंट और एक साल और मुकम्मल हो गया, मिला हुआ वक्त और कम हो गया। आओ मेरे अजीजों, इन बातों की तरफ गौर करें। हमारी जिंदगी एक एक लम्हे के साथ कम पड़ती चली जा रही है। हम अपनी कब्र के, अपनी मौत के, कयामत के करीब होते चले जा रहे हैं। कुछ कर लीजिए ताकि कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के काबिल हों, अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हों। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हम सबको इसकी फिक्र अता फरमाए समझने की, और अल्लाह हमको इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।